press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेसी कैंपस में एक बार फिर से। और आज का हमारा टॉपिक है रस, सेंटीमेंट। किसे कहते हैं रस? किसी काव्य को सुनने से, सुनकर, देखकर या पढ़कर हमें जो अनुभूति, आनंद की अनुभूति जो प्राप्त होती है उसे हम रस कहते हैं। किसी काव्य को सुनकर, देखकर या पढ़कर हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। और रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस को क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा कहा जाता है। देखिए कुछ परिभाषाएं हैं रस की। रस्यते इति रसः, जो रस से परिपूर्ण है वही रस है। या रसात्मक वाक्यम काव्यम, रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। रसात्मक रस से युक्त वाक्य ही आपका क्या है? काव्य है। इसी प्रकार जो है आपका आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने की एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था नाट्यशास्त्रम, उसी से लिया गया है। उन्होंने रस की क्या परिभाषा दी है? तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव जिन्हें हम बोलते हैं, या संचारी भाव जिन्हें हम बोलते हैं, उनके संयोग से रस द्रस निष्पत्ति, रस की निष्पत्ति होती है, निष्पादन होता है। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। और भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी थी, जो अब बढ़ गई 11 हो चुकी है। अब हम 11 रसों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अब आचार्य भरत मुनि की परिभाषा के अनुसार जो विभाव था, क्या होते हैं विभाव? देखिए, विभाव कहा जाता है भाव की उत्पत्ति का जो कारण होता है, जिस कारण से भाव उत्पन्न होते हैं, स्थायी भाव जो हमारे उत्पन्न होते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। विभाव को दो भागों में बांटा गया है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव मन में जागृत होते हैं, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव उठते हैं, उन्हें हम कहते हैं आलंबन विभाव। इस तरह से समझते हैं इसे, राम के मन में सीता के प्रति रति या प्रेम के भाव उत्पन्न होना। आलंबन विभाव को दो भागों में बांटा गया है, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन अर्थात जिसके मन में भाव जगे, विषयालंबन यानी कि जिसके प्रति भाव जगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि राम के मन में सीता के प्रति रति या प्रेम के भाव जागना, तो यहाँ पर राम, श्री राम जो है आपका आश्रयालंबन है, क्योंकि उनके मन में भाव जग रहे हैं। विषयालंबन कौन है? माता सीता है, क्योंकि उनके प्रति मन में भाव जग रहे हैं। यह तो था आपका आलंबन विभाव। उसके बाद देखते हैं हम इसका जो दूसरा भेद होता है, उद्दीपन विभाव। उद्दीप्त करना, स्टिमुलस होना, उद्दीप्त। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर, यानी कि स्टिमुलस या उद्दीपन जो होता है ना, किसी न किसी कारणवश होता ही है। तो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देख के स्थायी भाव जगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। जैसे कि एकांत स्थल हो गया, चांदनी रात होगी, मनोरम दृश्य हो गया, तो ये सारे ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्हें देख के मनुष्य के हृदय में क्या होता है? आपके उद्दीपन होते हैं और स्थायी भाव जगते हैं। अनुभाव, मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शरीर विकारों को, मन के भावों को शरीर विकारों द्वारा जब व्यक्त किया जाता है उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। उदाहरणार्थ हम देख सकते हैं स्वेद, स्तंभ, रोमांच आदि, ये सब क्या हैं? आपके अनुभाव हैं। संचारी भाव, मन में संचरण करने वाले, संचार करना मीन्स आना जाना, संचरण करना। तो मन में संचरण करने वाले जो भाव होते हैं, आते जाते रहते हैं जो भाव, उन्हें हम बोलते हैं संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या लगभग 33 है, 33 मानी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है आवेग हो गया, श्रम हो गया, मद हो गया आदि, ये सब क्या है? आपके संचारी भाव है, संचरण करना, आना जाना। तो ये तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो रस की परिभाषा थी उसके आधार पर हमने इन चीजों को देखा। अब देखते हैं रस। रस पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि
प्रत्येक रस का अपना एक स्थायी भाव होता है और एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि भाई श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं श्रृंगार रस से। दोस्तों श्रृंगार रस जो है उसका स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। इसके अंतर्गत नायक और नायिका के मन में, जब नायक और नायिका के मन में प्रेम का या रति का भाव उत्पन्न होता है और वह प्रेम का भाव उत्पन्न होकर रस की अवस्था तक जब पहुंच जाता है तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस में मुख्यतः सुंदर वन हो गया, सौंदर्य हो गया, वसंत ऋतु हो गया, प्रकृति हो गया, इन चीजों का वर्णन किया जाता है। किन किन चीजों का वर्णन किया जाता है? सौंदर्य का, सुंदर वन का, वसंत ऋतु का, प्रकृति का आदि। सुंदर वन मीन्स खूबसूरत वन, तो इन चीजों का जहां पर वर्णन किया जाता है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। तो श्रृंगार रस के अंतर्गत इनका किया जाता है। यह सुंदरवन वो डेल्टा नहीं है, जो सबसे बड़ा डेल्टा है, यह सुंदरवन में से खूबसूरत जंगल जो होता है, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, सुंदर वनों का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। और श्रृंगार रस को भी क्या है कि दो भागों में बांट दिया गया है, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का हम उदाहरण देखते हैं, वसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवली सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधार समुरली राजती उर वैजंती माल। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि श्री कृष्ण की जो है खूबसूरती का यहाँ पर वर्णन किया गया है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के लाल मेरे आंखों में बच जाओ, मोहनी मूरत सांवली सूरत, जिनकी मूर्ति क्या है, मोहनी है, एकदम अट्रैक्टिव है, अट्रैक्ट करने वाली है, सांवली सूरत, और जिनकी सूरत क्या है, सांवली सांवली है, नैना बने विशाल, और बड़े बड़े जिनके क्या है, जिनकी क्या है, आंखें हैं, अधर सुधारस मुरली राजती उर वैजंती माल। तो इस तरह से यहाँ पर आपका संयोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार, वियोग का मीन्स बिछड़ना आप समझते हैं। उदाहरण देखिए, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वियोग उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका वियोग श्रृंगार हो गया। तो इस प्रकार आज हमने रस के बारे में जाना और श्रृंगार रस के बारे में हमने जाना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।